जो जो आगे गया लाठी पड़ी है मेरे हाथ पे, लाठी लगी है इधर, ये निशान पड़ा हुआ है, लाठी पड़ी हुई है, ये निशान पड़ा हुआ है, ये देखो खौफ के बुट टूट चुके हैं, ये भूल जाएं कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, हम अभी भी नहीं डरे हैं। एक बंदा जेल के अंदर है, उससे इतना खौफ ज्यादा हुए हुए हैं। तो मैं भी यहाँ से गुजरा था, मुझे भी पकड़ के यहाँ से ले गए हैं, पकड़ के लाए, डालों में बिठाया, डालों में बिठा के हमें ले गए हैं। कहाँ लेके गए थे? शौकत खानम। जितने बच्चों को, लोगों को पकड़ के लेके जा रहे हैं शौकत खानम के ब्रिज के नीचे, टोटली डाले भरे हुए खड़े हुए, जिसके अंदर उन्होंने आवाम को बिठाया हुआ और आवाम को छोड़ नहीं रहे। कितने लोगों को यहाँ पे उठा के ले जा चुके हैं? छह बंदों को लेके गए हैं, बाकी तो भाग गए हैं, माड़े बंदे थे, जो इनके हाथ में आता है ये पकड़ के ले जाते हैं, बाद में तशद्दुद करते हैं। ऐसे करना था पुलिस ने, गवर्नमेंट ने, तो इनको ऐसे ही नवाज शरीफ को बिठा देते। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी, मैं हूं आपके साथ एमन नियाज़ी। मैं इस वक्त मौजूद हूं मलिक तौकीर अब्बास खोतकर डेरे पे, जहां पे पीटीआई की तरफ से जो आज रैली निकाली जानी है वहां पे, उस इलाके में मौजूद हूं, और यहां से रैली का आगाज़ जो हो चुका है, यहां पे जो मौजूद पब्लिक है इनसे बात करते हैं कि क्या क्या मनाजिर इनको देखने को मिले हैं। तो आइए चलिए उनसे बात करते हैं। यहाँ से भी कोई रैली के काफिले निकले हम लोग? बहुत बड़े काफिले निकले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, पुलिस के पास टीयर गैस, शेलिंग, हाथों में डंडे, पूरा डराने की उन्होंने कोशिश की, पर हमारे हौसले पस्त है, ना हम डरे हैं ना हम झुकेंगे, हम इंशाल्लाह जो हमारा टाइम है हम जाएंगे, अभी भी अरेस्ट भी किया है, हम फिर भी आज लिबर्टी हर हाल में जाएंगे, और ये इनको आज खौफ के बुट टूट चुके हैं, ये भूल जाएं कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, हम अभी भी नहीं डरे हैं। पुलिस की नफरी कितनी यहाँ पे तैनात? यहाँ पे कम से कम 500 नफरी तैनात है, ये शौकत खानम वाली साइड पे, उसके बाद आपकी अल्लाह चौक पे, वाबडा टाउन में हमारी आवाम, गाड़ियाँ, और आज खासकर फैमिलीज आई हैं, लगा हुआ है बहुत ज्यादा, उन्हें दे रहे किसी को, यहाँ दो बंदे अगर खड़े होते हैं कहीं उनको डंडे मारना शुरू कर देते हैं जी। ये पाकिस्तान है या हम फलस्तीन में रह रहे हैं? ये पाकिस्तान में जमहूरियत है, हर किसी को अपने आज़ादी से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, ये दोहरा मयार नहीं चलेगा पाकिस्तान में, और ना ही हम इसको चलने देंगे। पाकिस्तानी अवाम ये देख रही है सारा कुछ, और इंशाल्लाह इसका बदला वोट से लेंगे हम। एक बंदा जेल के अंदर है, उससे इतना खौफ ज़्यादा हुए हुए हैं उसके इलेक्शन की वजह से, कि एक बंदा जेल के अंदर बैठ के भी कंपेन नहीं कर सकता उसके लोगों को, उसका आपने एक बंदे का बल्ला छीन लिया, ठीक है, उसके बाद वोटरों को डरा दिया, जो घर से निकलता है आप उसको धमकाते हैं, आप उसको डराते हैं, आप उसको टॉर्चर करते हैं मेंटली और फिजिकली। इंशाल्लाह इनको हमने मेंटली और फिजिकली नंगा भी करना है, इंशाल्लाह अदालत के कटहरे में लाके खड़ा करना है। आपकी अदालतें अब नहीं चलेंगी, जो अदालतें हमारे लिए हैं वो आपके लिए भी लागू होनी चाहिए। मैं भी यहाँ से गुजरा था, मुझे भी पकड़ के यहाँ से ले गए हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं? पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं, कैसे, हम तो, मैं तो खुद एक सरकारी अफसर हूँ, ये देखे मैं, उनकी मेहरबानी, उन्होंने मुझे वो जाने दिया, वो तो किसी का लिहाज नहीं कर रहे, ये लोग अपनी मुखालफत खुद बढ़ा रहे हैं लोगों से जुल्म करके, ये बजाय मोहब्बत क्रिएट करने के ये नफरत पैदा कर रहे हैं, इनका क्या कसूर है, खड़े हैं यहाँ पे, खड़े रहे हैं आप, क्या घरों में आके ताले मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं। अब मैं हूँ अच्छा बड़ा आम सा बंदा हूँ, शहरी जा रहा हूँ, मुझे तंग किया तो मेरे दिल में क्या गुजरी होगी, मैं तो उनके खिलाफ ही होऊंगा ना। सब लोग छुड़वाने की कोशिश करते थे, जो जो आगे गया, लाठी पड़ी है मेरे हाथ पे, लाठी लगी है इधर, ये निशान पड़ा हुआ है, लाठी चार्ज की है, ये निशान पड़ा हुआ है हाथ के ऊपर, लाठियां मगर मिली हुई जी। एक भाई का हाथ सूजा हुआ, वो भाग गया। ये बच्चे को चेक करें, इस बच्चे को, ये बच्चा देखें, इस बच्चे को लाठी दिखा यार, ये लाठी पड़ी हुई है, ये निशान पड़ा हुआ है, ये देखें, ये आप दिखाएं, यहाँ पे बच्चे को लाठी चार्ज किया गया है। ये पाकिस्तान है, फलस्तीन के मुजालिम को रोते थे, मकबूजा कश्मीर के मुजालिम को रोते थे, क्या ये पाकिस्तान में भी अगर ऐसा होगा, अवाम की हिमायत से ये लोग महरूम हो जाएंगे जी। यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है कुमैल, जो कि यहाँ पे रैली के लिए निकले हुए थे, और इन्होंने यहाँ पे क्या मंजर देखे वो इनकी जुबानी सुनते हैं जी। कुमैल, हम सारे अंदर थे तो पुलिस आई है, पुलिस ने आगे दरवाजा पहले ये वाले को ठुड्डे मारे। दरवाजा किसको? ये वाला जो गेट है, मेन गेट है डेरे का, ठीक है, मलिक रहमत अली कोकर का मेन गेट है डेरे का, उसको ठुड्डे मारे, अंदर गए, अंदर जाके ऊपर फैमिली रहती है, फैमिली के ऊपर जाकर दरवाजे खड़काते रहे हैं, पुलिस लेके वो अंदर चले गए। हाँ जी, पूरी अंदर गए थे घर में, घर के ऊपर जाके दरवाजों को ठुड्डे मारते रहे, फैमिली रहती है हमारी। अच्छा, फिर भी ये ऊपर जाते रहे, इनको किस बात की शर्म ही नहीं आया इनको में किसी चीज की। उसके बाद क्या, उसके बाद पकड़ के लाए, डालों में बिठाया, डालों में बिठा के हमें ले गए। कहाँ लेके गए थे? शौकत खानम। शौकत खानम की ब्रिज के नीचे, जितने बच्चों को, लोगों को पकड़ के लेके जा रहे हैं शौकत खानम के ब्रिज के नीचे, टोटली डाले भरे हुए खड़े हुए, जिसके अंदर उन्होंने आवाम को बिठाया हुआ और आवाम को छोड़ नहीं रहे। ये तो हमारा हक है ना कि हमने बाहर निकलना है, हमें नहीं पकड़ा, हम तो भाग गए हैं ना। अच्छा, डिफेंस के लिए। अच्छा, पर ये पकड़ के लेके क्यों जा रहे हैं? इस टाइम हमारे पास हक है, इलेक्शन हो रहा है, हम बाहर रैली निकाल सकते हैं, रैली निकालने पे कोई पाबंदी नहीं है, ये हमारा आईनी हक है जो हम ले रहे हैं। इनको पकड़ने इनका तुक्की नहीं बनता है, अंडर 18 को पकड़ने का तुक्की नहीं बनता, ये अंडर 18 वालों को किस तरह पकड़ सकते हैं, इनके पास तो कोई परमिट ही नहीं है अंडर 18 वालों को पकड़ने का।
तो इस वक्त भी वो वहाँ पे शौकत खान के ब्रिज पे मौजूद है, जाके देख सकती हैं वहाँ पे डाले इनके फुल हैं, इन्होंने बच्चों को पकड़ा हुआ, कुछ छोटे बच्चे भी हैं, होना कोई 18 साल से बड़े हो, 18 साल से छोटे बच्चों को भी ये लेके गए, उन पे तशद्दुद भी किया गया? नहीं, तशद्दुद अभी तक नहीं किया गया, जो अभी तक सिचुएशन देखी थी, पर आगे का कोई पता नहीं, शायद कर लें। मेरी तबीयत खराब हो गई थी इस वजह से उन्होंने मुझे उतार दिया था। अच्छा, मेरे तो जाके देख सकते हैं, अभी भी वहाँ पे उनके डाले फुल पड़े हैं, बच्चों के साथ बच्चे हैं बड़े हैं, उनको सबको पकड़ा हुआ है। जी आप बताएं, आपने यहाँ पे क्या मंजर देखे थे जिस टाइम पुलिस आई थी? देखा है कि ये जैसे ये कर रहे हैं वैसे होता नहीं है, जैसे हमारे मुल्क में ये कर रहे हैं, आके इन्होंने तशद्दुद शुरू कर दिया है, अंदर आके बंदों को उठाया है, इन्होंने मारा पीटा है और गाड़ियों को डंडे मारे हैं, ऐसे कर रहे थे जैसे जानवरों के साथ करते हैं, ऐसे इलेक्शन नहीं होते जैसे ये कर रहे हैं, और ऐसे ये अपने आप को ईमान वाले कहते हैं, इनके अंदर तो ज़रा भी ईमान नहीं है मेरे अंदाजे से जैसे ये कर रहे हैं, और साथ जो हमारे मुखालफ बंदे हैं वो भी साथ इनके आए हुए थे, वो जैसे हम दफ्तर खोलते हैं तब भी रिटे करते हैं, कंपेन नहीं करने दे रहा है, इलेक्शन नहीं करने दे रहा, इतना सा भी नहीं करने दे रहा, और ब्लैकमेल करते हैं, टॉर्चर करते हैं, बंदों को मारते हैं, उठा के लेके चले जाते हैं। ठीक है, और आपने क्या, आपने यहाँ पे किसी का टॉर्चर देखा है जो यहाँ पे किया गया यहाँ पे पुलिस की जानिब से? मैंने देखा गाड़ियों को डंडे मार रहे हैं, ऐसे मार रहे हैं जैसे किसी भैंसों को भी नहीं डंडे मारते, बंदों को मार रहे हैं, जो हार है उसको पकड़ के उठा के ऐसे लेके जा रहे हैं जैसे पता नहीं ये दुश्मन है, ये इंडिया से आया है, ये फलस्तीन इसराइल से आया है, ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं, हमने तो अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा ऐसे देखा होते, और ये बंदे कर रहे हैं जो जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये ईमान वाले नहीं है, इनके अंदर ईमान ही नहीं है, इन्होंने मरना है ना, इनको कीड़े पड़ने हैं सबको, और बंदा सोचते ही नहीं ये होना है क्या है, कब्रों में जाना हर बंदों ने, और ऐसे कर रहे हैं जैसे जानवर भी नहीं ऐसे करते होंगे मेरे अंदर जैसे ये कर रहे हैं। कितने लोगों को यहाँ पे उठा के ले जा चुके हैं? 6 बंदों को लेके गए हैं, बाकी तो भाग गए हैं, माड़े बंदे थे, जो इनके हाथ में आता है ये पकड़ के ले जाते हैं, बाद में तशद्दुद करते हैं, तो फिर ये जो मुखालफ पार्टी है हमारी वो भी इनके साथ मिली हुई है, उनकी भी गाड़ियाँ आई हैं, और कोई रैली नहीं, अंदर इधर भी पुलिस वाले खड़े होंगे, सिविल में खड़े हुए हैं, जहाँ पे देखते हैं फ़ोन करते हैं, उठा के ले जाते हैं बंदों को। जी नाजरीन, ये मलिक तौकीर अब्बास खोकर के घर का दरवाज़ा है जहाँ पे पुलिस ने ठुड्डे मारे हैं दरवाज़े को, और दरवाज़ा भी फलांग के वो घर में शामिल हुए हैं, और यहाँ पे पब्लिक का कहना है कि ऊपर जो है ऊपर वाले पोर्शन में उनकी फैमिली रहती है, और वहाँ पे भी जाके दरवाजे को नॉक किया है, बार बार उनको परेशान किया गया है, खिड़कियाँ तोड़ दी हैं इन्होंने, खिड़कियाँ तोड़ दी हैं अंदर से, जो चीज़ ऐसे मैं कहता हूँ ऐसे जानवर भी नहीं करते, हम भी खानदानी बंदे हैं, गाँव में रहते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, देखते आ रहे हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले ऐसा इलेक्शन देखा, और ऐसा घटिया बंदे देखे ना, जितना बंदा बड़ा उतना ज्यादा घटिया। जी हमारे साथ मौजूद है मलिक ज़हीर अब्बास खोकर के कजन हैं और चचाजात भाई, इनसे बात करते हैं कि आपने यहाँ पे इस टाइम क्या माहौल देखा था जब पुलिस की नफरी यहाँ पे आई है, क्या तशद्दुद किया गया है? जी असी इतों रैली लैके जा रहे सा, अगों अपना कोई 10-15 डाले पाए ने पुलिस के, वो कुछ वर्कर साढ़े इतने आ गए ने, कोई जेडे गड्डिया सन या कैंडीडेट सन उन्होंने पिछे पुलिस लग गई है, डंडे भी गड्डिया मारते रहे हैं, जेडे कोई मुंडे बाहर सन उन्होंने भी किसी के बाजू से सट लग गई है, किसी के सिर के डंडा वज गया, वो इतने असी पहुँचे हाँ, वर्कर काफ़ी सन, फिर एस पी नाल सी जिहड़ी बीबी इतों की एस पी सदर एस एच ओ, काफ़ी नफरी सी, वो फिर इतने डेरे में पै गए ने, इतों कोई 4-5 लड़के जड़े ने उन्होंने वो लै भी गए ने, मारिया भी है उन्होंने नाल, जेडे साडे मुखालफ ने कैंडीडेट उन्होंने डाले नाल सन, उन्होंने बंदे नाल सन। तो जो रैली है इस वक्त कहाँ तक पहुँच चुकी है या जा ही नहीं सकी आगे? नहीं रैली तो जी इतों कैंसर हॉस्पिटल तो उत्थे बड़ी चौखी नफरी सी पुलिस की, उतों ही उन्होंने डंडे चलाने शुरू कर दिते ने, वो जाहिर है फिर अपना रैली अगे कितने जाना सी, फिर जिमें जिमें वो रैली वाले मुंडे सन उन्होंने मगर पुलिस जी डाले भजाई फिरी है, सोटे ला के लगे फिरे ने, डंडे मारते रहे ने, किसी का सिर पाट गया, किसी का बाजू फ्रैक्चर हो गया, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, वह तरीका हूँ भी आ थोड़ी देर पहले अपना पुलिस इतों गई है। ये ऐसा इलेक्शन इन्होंने करवाना था तो इसका करवाने का क्या फ़ायदा, इस ऐसे करना था पुलिस ने गवर्नमेंट ने, तो इनको ऐसे ही नवाज शरीफ को बैठा देते, अवाम का पैसा ज़ाया कर रहे हैं, ये जो इलेक्शन में खर्चा आ रहा है ये हम लोगों का टैक्स का पैसे हैं, हम लोग टैक्स देते हैं वही पैसे दे रहे हैं, हमने बिठाना है इनको पुलिस ने या जिसने बिठाना है, इनको ऐसे ला के बैठा देते, ठीक है जी ये इतना क्या फजूल खर्च हो रहा है,